अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MR न्यूज़ और मैं हूँ राशिदा हफीज़। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। कराची पुलिस ने गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान 568 से ज़ायद मुलज़िमान को गिरफ्तार किया। तफसीलात के मुताबिक तर्जमान कराची पुलिस का कहना है कि मंशियात फरोश मुलज़िमान से लाखों रुपए मालियत की मंशियात बरामद हुई, जबकि गिरफ्तार स्ट्रीट क्रिमिनल से 91 से ज़ायद गैर कानूनी असलहा बरामद हुआ। तर्जमान कराची पुलिस ने बताया कि शहर में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की कार्रवाइयाँ की हैं, जिसके दौरान गिरफ्तार 11 मुलजिमान से असलहा मंशियात और मोटरसाइकिलें बरामद हुई। सूबाई वजीर सेहत और तिजारत मियाँ असलम इकबाल ने कहा, गुजरांवाला को मुकामी सनत को फ़रोग दिया जाए। मियाँ असलम इकबाल ने सुपर एशिया फैक्ट्री गुजरांवाला का दौरा किया, जहाँ सूबाई वजीर ने फैक्ट्री में पैदावारी अमल और तैयार मसनूआत का जायजा लिया। इस मौके पर पंजाब में सनअतकारी के अमल और सनअतकारों के मसाइल पर भी बातचीत हुई। PTI बल्दियाती इंतखाबात में धांधली की कोशिशों में नई गहराई में डूब गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, DI खान में ANP के उम्मीदवार को पोलिंग से एक रोज़ कबल कतल कर दिया गया। उनके खानदान के अफराद ने PTI के वजीर पर पहले रिश्वत लेने की कोशिश करने के बाद कतल करने का इल्ज़ाम लगाया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि अफगानिस्तान में अदम इस्तेहकाम पूरी दुनिया को मुतासिर करेगा। इस्लामाबाद में अफगानिस्तान की सूरतेहाल पर इस्लामी तआवुन तंजीम के इजलास से खिताब के दौरान वज़ीर आज़म ने कहा, अफगानिस्तान 40 साल खाना जंगी का शिकार रहा है। जितनी मुश्किलात अफगान आवाम ने उठाई, किसी और मुल्क की आवाम ने नहीं उठाई। किसी भी मुल्क को अफगानिस्तान जैसी मुश्किलात का सामना नहीं रहा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने इजलास से इफ्तिताही खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने 1980 में 40 बरस पहले भी अफगानिस्तान पर OIC वज़ीर ख़ारजा इजलास तलब किया था। तामीर मामूली इजलास के लिए पाकिस्तान का इंतखाब खुशाइंद है। उन्होंने कहा, आलमी खुराक ने तनबीह की है, अफगानिस्तान में दुनिया का बड़ा इंसानी अलमिया रोनमा हो सकता है। ये ऐसा लम्हा है जिसमें सबको मिलकर मदद के लिए बढ़ना चाहिए। अफगानिस्तान की निस्फ आबादी को खुराक की कमी का सामना है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए MR न्यूज़।